हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम लोग जीवन में जब भी कोई काम करते हैं, अच्छे काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हम लोग शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं कि हमारे लिए अच्छा समय कौन सा है। मान लीजिए शादी ब्याह की बात हो, गृह प्रवेश की बात हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना हो या बच्चे का नामकरण हो। क्यों हर कोई शुभ मुहूर्त ढूंढता है? इसलिए आप कहेंगे ताकि हम लोगों को किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए अपने काम में। बिल्कुल सही, इसीलिए तो शुभ मुहूर्त ढूंढा जाता है ताकि शुभ मुहूर्त में किया गया काम 100% सक्सेसफुल हो। इसी सिलसिले में मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। कहते हैं महाभारत का युद्ध दुर्योधन को जीतना था, इसलिए वो एक ऋषि के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या मैं महाभारत का युद्ध जीत सकता हूँ? क्या इस युद्ध में मेरी जीत पक्की है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि नहीं, पांडव ही इस युद्ध को जीतेंगे, तुम्हारी हार निश्चित है। लेकिन एक शुभ मुहूर्त 24 घंटे में तुम्हारे लिए बन रहा है जो कि केवल 17 मिनट का है। यदि उन 17 मिनटों में तुमने इस युद्ध का आरंभ कर दिया तो तुम्हारी जीत पक्की है। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा ने सब कुछ पहले से ही तैयार किया रहता है, तो श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी लीला दिखाई और कुछ इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया कि दुर्योधन इस युद्ध को हार गए और पांडव जीत गए। दुर्योधन ने बहुत कोशिश की थी कि उन 17 मिनटों में महाभारत का युद्ध शुरुआत कर दी जाए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने अपनी लीला दिखाते हुए कुछ इस तरह से उन्हें उलझाया कि वो 17 मिनट बीत गए और कौरव हार गए। इसलिए कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त हमारे लिए बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? आप भी एग्रीड हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया काम हमेशा सक्सेसफुल होता है? तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में, मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।